अब मैं आपको असंपर्क बल के बारे में समझाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने क्या ले लिए हैं, दो चुंबक लिए हैं, इनको मैंने क्या किया है, तीन बेलनाकार मैंने चौक ले लिए, उसके ऊपर मैंने चुंबक को रखा। अब हम समझना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, चुंबकों के बीच में होने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण समझना चाहते हैं। देखो ये पहला चुंबक है मेरा, मान लो ये इसका क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और दूसरा क्या है इसका, दक्षिणी ध्रुव है। जब मैं क्या करूंगी, उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ही लेकर जाऊंगी, तब क्या होगा, जो सेम सेम होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। देखो ये भी उत्तरी है, ये भी उत्तरी है, मैंने जब इसको इसके पास लेकर जा रही हूँ इसको, तो क्या हो रही है, देखो ये दूर चली गई ना चुंबक इससे, ठीक है, रिपेल करते हैं। लेकिन जब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने चुंबक को उल्टा कर दिया है, अब मैं क्या कर रही हूँ, उत्तरी ध्रुव के पास क्या लेकर जा रही हूँ, दक्षिणी ध्रुव लेकर जा रही हूँ। देखो जब दक्षिणी ध्रुव, देखो चुंबक किस तरह से इसे क्या कर रही है, अपने पास लेकर आ रही है। फिर से दोबारा देखो, ये देखो नजर आ रही है ना, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आकर्षण हो रहा है। जबकि इससे जस्ट पहले क्या किया था, जब मैं इसको लेकर आ रही थी, पास लेकर आ रही थी, ठीक है, सेम सेम के साथ क्या है, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई रिपेल हो रहा है। देखो ये इससे दूर जा रही है ना चुंबक, यही है चुंबकों के बीच में होने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण।